मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने वाले शहीदों की फहरिस्त बहुत लंबी है तो दास्तान बहुत गहरी। एक एक शहीद देश पर कर्ज है तो देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज बात उस शहीद की जिसने देश के लिए अपना फर्ज निभाते हुए छोटी सी उम्र में जिंदगी कुर्बान कर दी। परिवार ने जवान बेटा देश के नाम पर कुर्बान किया, लेकिन सरकारी रवैये ने उस परिवार को ना भूलने वाला एक दर्द दूसरा भी दे डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बस आखिरी यही निशा होगा। लखबीर सिंह वो नाम जो युवाओं के लिए मिसाल है, वो नाम जिस पर उनके पूरे परिवार ही नहीं बल्कि मोगा जिले के चारे गांव के लोगों को अभिमान है। शहादत पर सबको नाज है, लेकिन इस कुर्बानी के साथ एक अफसोस भी जुड़ा है। तकरीबन 14 साल बाद भी लखबीर सिंह के परिवार को उस नौकरी का इंतजार है जिसका ऐलान सरकार ने साल 2009 में किया था। 24 फरवरी 2009 को लखबीर सिंह की शहादत के बाद एक सरकारी ऐलान किया गया था जो आज तक तामील नहीं हो सका। परिवार को इंतजार है कि शायद किसी दिन उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन विडंबना ये है कि तारीखें गुजरती चली गई, साल बीतते चले गए। पंजाब में सरकारें बदलती रही और नहीं बदली तो परिवार की तकदीर, जिसने अपना जवान बेटा मुल्क की आन बान शान के लिए खो दिया। हाँ, नौकरी बारे जी की नौकरी कहते थोनू देवे भी किनू नौकरी चाहिए। असा भी पहला तो असी गल की साढ़े बेटे को चाहिए है, फिर वह कहें भी थोड़ा बेटा तो व्याया गया, समझ गए। फिर असं आख्या भी साड़ी लड़की भी है, वो कहते किन्निया पढ़ी है, उदो लड़की छोटी सी, उन्होंने सानू उदो कहता भी असं लड़की दी नौकरी राखवी रख लेंगे, इनू पढ़ा लो वाहवा तुम, चंगी नौकरी मिल जाओ कोई। लखबीर सिंह जम्मू कश्मीर में सेना में तैनात थे। घाटी में आतंकियों से वो लगातार लोहा ले रहे थे। 23 फरवरी 2009 की एक वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक घर में छिपे आतंकियों से वो मुकाबला कर रहे थे। उस एनकाउंटर के दौरान लखबीर सिंह आतंकियों की गोली से बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन वो शहीद हो गए। लखबीर सिंह ने देश के लिए जान दे दी और जब ये खबर मोगा में परिवार के पास पहुंची तो सबकी जान ही निकल गई। फिर जो सानू दसन लग गए जी, लखबीर सिंह तो बहुत ही जवान भी, बहुत बहादुर सीगा, बहुत आए सी, ते भी वह लखबीर सिंह सिद्धी प्राप्त कर गया जी। लखबीर सिंह की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। मोगा जिले के गांव चारिक में उनका जन्म 1 जुलाई 1983 को सरदार मेजर सिंह चीमा और माता जसविंदर कौर के घर पे हुआ था। देशभक्ति और सैनिक अनुशासन की जिंदगी लखबीर सिंह को विरासत में ही मिली थी। लखबीर ने बचपन से ही सेना में शामिल होने का सपना देखा था। उनका यही सपना और जुनून उन्हें सेना की नौकरी दिला गया। साल 2004 में सेना में भर्ती होने के लिए 12 बार टेस्ट देने के बाद लखबीर को कामयाबी हासिल हुई और वो सेना की सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए। लखबीर कहा करते थे कि जब वो फौज में जाएंगे तो उनका जिस्म तिरंगे से लिपट कर ही वापस आएगा। लखबीर की शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर चारिक गांव लाया गया जहां ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद लखबीर सिंह की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। लखबीर सिंह के परिवार में माता पिता और छोटे भाई समेत 4 लोग हैं, लेकिन लखबीर सिंह की ख्वाहिश एक बहन की भी थी जो उन्हें राखी बांध सके। इसी वजह से उन्होंने अपने रिश्तेदारों की एक बेटी को सरकारी नियम कायदों के मुताबिक गोद लिया, उसकी अच्छी परवरिश की। वो चाहते थे कि उनकी बहन अच्छे से पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, साथ ही वो बड़ी धूमधाम से अपनी इकलौती बहन की शादी करे, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। शहीद लखबीर सिंह की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। दरअसल लखबीर सिंह का परिवार एक छोटा सा किसान परिवार है। ये परिवार गंभीर आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। सरकारें सिर्फ मदद का भरोसा देती रही, लेकिन सरकारी फरमान कभी जारी नहीं हुआ। सरकार का उदासीन रवैया हैरान कर देने वाला है। 14 साल बीत जाने के बाद भी कोई वायदा अब तक पूरा नहीं हो सका है। नहीं, कुछ नहीं मिला जी सरकार वालों, ना बेटी नु मिला ना बेटी। मांगता वीर जी असीं हुण तक करदे आए हां, हां जी हुण तक करदे आए हां। हुण तां सानूं वी असीं इन्नी कास वी सानूं भगवंत मान तिकर वी है, जे कोई वी सानूं बेटे बारे जां बेटी बारे कोई सानूं वी मिले तां
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तो दूसरी तरफ गांव पंचायत ने लखबीर सिंह की मूर्ति लगवाई है ताकि गांव की युवा पीढ़ी बलिदान को सलाम करे और शहादत को कभी भूल ना सके। लखबीर सिंह के स्कूल में आज भी उनके बचपन के किस्से कहानी जिंदा है। उनको पढ़ाने वाले टीचर लखबीर सिंह को कभी भूल नहीं सके हैं। और बहुत ही वधिया बच्चे सी, बहुत ही प्यारे, बहुत ही आज्ञाकारी और पढ़ाई विच भी अच्छे। पर जो शहीद अपने लखबीर सिंह आ, ये तो सानू बहुत प्राउड फील होंदा है। इन्ना प्यारा बच्चा, इन्ना चंगा बच्चा सी ये कि हर वक्त देश लई कुर्बान होने की तैयारी रहे। तो वही लखबीर सिंह के दोस्त, पड़ोसी और गांव वासियों को इस बात का फक्र है कि उनके गांव से कोई बहादुर देश सेवा करते हुए शहीद हुआ। शहीद लखबीर सिंह मेरा बहुत वधिया दोस्त सीगा जी, मेरा क्लास फैलो से सी, इकट्ठे पढ़े हैं। बस उन्होंने शुरू तो ही फौज दे विच भर्ती होने का जज्बा सी उस विच। सवाल ये है कि अगर सरकारें शहीद के परिवार वालों के साथ अपने वादों को इस तरह भुला देंगी तो फिर उनके चुनावी वादों पर कौन भरोसा करेगा? कैसे देश सेवा के लिए नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, जिसे अगर ये डर बैठ जाए कि उसकी शहादत के बाद परिवार को देखने वाला कोई नहीं है तो फिर सेना में भर्ती होने के लिए जोश और जुनून कहाँ से पैदा होगा? तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए कॉमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार। Thank you.